रोमांचक मुकाबला कल भी देखने को मिला था। ये भी रोमांचक मुकाबला होगा परवेश मटगल की नंदा खान के लिए पहला सेमीफाइनल दोनों ही टीमों के बीच में मटगल का एक पॉइंट नंदा खान को भी रुकना सिस्टम ये हो चुकी है। टीम जीतेगी तो फोटो खींचो नहीं रुकना सिस्टम पता नहीं क्या है। ये सर्विस तेज तरार ड्रॉप लेकिन वहां पर खिलाड़ी मुस्तैद रखते में शानदार। तो अभी टीमों का जब तक हमने इतने मैच अब तक हुए हैं उनमें देखा है और हालांकि जो वहां पर ड्रॉपिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे खिलाड़ी और इस बात का संकेत है कि आप सर्विस कर सकते हैं ये भी ध्यान देने वाली बात होती है क्योंकि विकेट से पहले यदि सर्विस की जाती है तो उन्हें फाउल करा दिया जाता है। जब हम दो नहीं टीमों के खिलाड़ी के बीच में मटगल नंदा खान के लिए बॉली बनेगी देखना इस बार क्या स्मैशिंग होती है शानदार लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस बहुत शानदार है दोनों ही टीमों का। बल्कि इसके बाद जो टीमें खेलेंगी यहाँ पर धनपाड़ी और विराट ने किया है उन्होंने इस बार तो की ओर से भी सर्विस खराब हुई थी वहाँ पर निर्णय नहीं कर पाई खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी को बॉल मिलती है इस बार पाले में है एक बार फिर हल्के हाथों से उंगलियां मोड़ दी थी लेकिन तत्पर थे वहां पर खिलाड़ी मटगल के नंदा खान की होगी मटगल को रक्षण करना होगा लेकिन इसीलिए आज जबकि सर्विस की मटगल ने प्रोत्साहित करते हुए खिलाड़ी जैसा कि अनुमान होता है और इस बार के बाद का जो सेमीफाइनल खेला जाएगा कुराड और धनपाड़ी के बीच में खेला जाएगा उसके बाद फाइनल का जो तस्वीर है साफ हो पाएगी। एक बार फिर शानदार विवेक हल्का सर्विस विवेक तेज सर्विस करते हुए कल भी हमने देखा था मैन ऑफ द मैच हो रहे थे क्वार्टर फाइनल में एक बार लेकिन सात नंबर था और ये जोरदार हिटिंग लेकिन रुक रहे थे रक्षा वापस कार्रवाई और एक टच अंत मिला एक बार फिर 12-7 मौजूदा स्कोर रक्षण खिलाड़ी है मौजूद वहां पर बॉली बनेगी विवेक है और एक और अर्जित की मटगल के लिए सर्विस करेंगे नंदा खान के लिए पहला सेट चल रहा है सेमीफाइनल का और उसको लेकिन उसको संभाल आउट नहीं अच्छे तरीके से एक बार फिर नेट पर खिलाड़ी धीरज है वहां पर ड्रॉप किया मुस्तैद नीति श्री राजपाल स्वागत है ग्राम प्रधान फिलिप आपका हार्दिक अभिनंदन और एक बार फिर सर्विस मडविल के द्वारा ड्रॉपिंग और ये विवेक लेकिन संभाला वहां पर एक बार फिर हिटिंग हो रही है दोनों ओर से अटैकिंग खेल का प्रदर्शन किया जा रहा है नेट पर घूम रहे हैं खिलाड़ी ये बिल्कुल हवा में सर्विस नंदा खान की पहला ही सेट चल रहा है सेमीफाइनल का दोनों ही टीमों के बीच में विवेक और 15-9 और ये आउट वापसी करनी होगी हल्की सर्विस एक बार प्रहार लेकिन विवेक है वहां पर अच्छी तरह से गेंद को खड़ा किया टॉप किया उन्होंने लेकिन वहां पर भी मुस्तैद खिलाड़ी हल्के हाथों से एक बार फिर और ये जोरदार
इस बार धीमे हाथों से उतनी पावरफुल सर्विस तो नहीं थी लेकिन धीमी और सर्विस होती हुई बटगल की जोरदार प्रहार लेकिन चकआउट ठीक जिस प्रकार के निवेश मडगल के लिए है तेज सर्विस है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से उसको रक्षण किया। वहां पर वॉलीबॉल का जो नियम होता है कि गेंद खड़ी हो जानी चाहिए अपनी जगह ताकि दूसरे खिलाड़ी को मौका मिल सके गेंद को कंट्रोल करने का। होता हुआ वहां पर अपने खिलाड़ी को समझाते हुए आपस में एक दूसरे को भी किस प्रकार खेलना है कहाँ पर गलती हो रही है। इस बार से चकआउट लेकिन संभाला वहां पर खिलाड़ी जो थे लेकिन सर्विस विवेक तो मैंने देखा है कि कभी कभी तेज सर्विस करने के लिए कभी उसको कंट्रोल रखने का प्रयास खिलाड़ी बन था। एक बार जरूर उसमें सिंह लेकिन उतनी पावरफुल नहीं। इस बार और लाइन से काफी बाहर एक बार फिर विवेक तेज सर्विस लगातार अब इससे पहले दो तीन सर्विस उतनी तीव्र गति की नहीं थी उनके द्वारा। कल भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था उन्होंने मैन ऑफ द मैच रहे थे क्वार्टर फाइनल में। इस बार देखने वाली बात होगी इस मैच का नतीजा क्या होता है सर कहा जाएगा दोनों ही टीमों के बीच में। एक बार फिर सर्विस सूरज है नंदा खाल के तेज सर्विस और बेहतरीन वहीं पर दबाया गेंद को इतना मौका नहीं था मडगल के लिए सर्विस करते हुए देखना है पीछे ही पलट दिया गेंद को और अभी स्कोर है सूरज के द्वारा अंत मिला नंदा खाल 14-22 तो नंदा खाल की टीम पर सर्विस आउट लाइन से बाहर गई थी तो टीम बाहर हो गई थी वो। यहाँ पर उन्होंने अच्छा दो अंक अर्जित किए नंदा खाल के लिए अच्छी सर्विस कर रहे हैं सूरज एक बार फिर सूरज और वहां पर उतना ही अच्छा रक्षण प्रहार किया था जोरदार। इस बार खिलाड़ी मौजूद तुषार गेंद को पार किया जाएगा विवेक गेंद के पीछे और इस बार जोरदार प्रहार लगे आउट नहीं हुआ। लगातार चार पॉइंट वापसी करनी है तो इसी प्रकार का खेल दिखाना होगा और इस बार विवेक है एक समय तो 10 का अंतर था वापसी की नंदा खाल ने वापसी करनी होगी यदि सेटअप में नाम करना है तो। और इसी तरह ग्राम सभा झलपाड़ी के खेल मैदान पर तेज सर्विस सूरज की और ड्रॉपिंग वहां पर विवेक नेट पर से तीनों ही खिलाड़ी साथ इसका सामना करेंगे मडगल और ये शानदार सुधा रहे लेकिन थोड़ा तालमेल होता है जो भी खिलाड़ी मोमेंटम पहले हासिल कर लेता है उसका फायदा उसको जरूर मिलता है। विशेषकर सूरज बेहतरीन हिटिंग कर रहे हैं नंदा खाल के लिए इस बार तुषार लेकिन विवेक ने वहां पे गेंद को अच्छा डिफेंस किया थर्ड में गेंद को फेंका है बॉली बनेगी नंदा खाल की ओर से फील्डिंग भी होगी और मडगल को मात्र एक पॉइंट लेना है जबकि थोड़ा संघर्ष करना होगा नंदा खाल को और जोरदार यहाँ पर सर्विस है नंदा खाल की पहला सेट पे नाम हो चुका है यहाँ पर मडगल का तो देखना होगा कि ये इस सेट पे क्या चलता है। बहुत अच्छी पॉइंट मिला है यहाँ पर 1-0 के यहाँ पर लीड और अच्छा गेम चलता हुआ यहाँ पर बहुत अच्छी है उठाया उतने यहाँ पर फिर से देखना होगा और ये सर्विस मुकाबला दूसरे सेट में यहाँ पर नंदा खाल 3 अंकों की बढ़त और मडगल लड़ते हुए वहाँ पर बहुत अच्छा खेल उन्होंने वहाँ पर दिखाया बहुत बढ़िया वापसी करते हुए यहाँ पर नंदा खाल की टीम देखना होगा फिलहाल यहाँ पर सर्विस नंदा खाल की सर्विस मडगल की बहुत अच्छी सर्विस वहां पर उतना ही अच्छा लिप देखना होगा और ये लड़ते होगा मडगल 2-5 नंदा खाल बहुत अच्छी सर्विस नंदा खाल की बहुत अच्छी सर्विस और उतना ही अच्छा यहां पर उठाया है देखना होगा कोई मौका नहीं और बाहर बॉल जाती है। तीसरे सेट में दोनों ही टीमें पहला सेट मडगल अपने नाम कर चुका है बहुत अच्छा खेल और प्रयास
लगता है कि खिलाड़ी पूरी तरह से अपने लय में आ चुके हैं। बहुत अच्छा हर सर्विस नंदा खाल की बहुत अच्छी सर्विस और देखना होगा लेकिन अपने ही पाले में बॉल बहुत अच्छा प्रयास वहां पर देखना होगा। दोनों ही टीमें एक दूसरे की जोर आजमाइश करती हैं। बहुत अच्छा लिफ्ट और पांच बढ़िया प्रयास वहां पर इसे कहते हैं दिमाग और ये काफी लंबी रैली के बाद पांच प्रयास हार करके खाते मट गए। दोनों ही टीमें जस्ट है का स्कोर दोनों ही टीमें बहुत अच्छा प्रयास लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस वहां पर देखने को मिला मडगल की तरफ से और अब अंक है मडगल की और हल्की सी सर्विस बिल्कुल सेंटर में बहुत अच्छा प्रयास लेकिन पिछड़ रही थी मडगल की टीम तो अब वापसी करते ही आठ पर तो 9-10 का स्कोर और दोनों ही टीमें लड़ती हुई यहाँ पर सेमीफाइनल में जो टीम यहाँ पर ये सेट जीतती है अगर मडगल को जाती है फाइनल में और मडगल की सर्विस 10 ऑल पर स्कोर और दोनों ही टीमें अच्छा प्रयास करती हैं यहाँ पर और ये तीसरी बॉल वापस करते हुए तालमेल बहुत सुंदर वहाँ पर बॉल गई है तब होती है सहारा निकाल की और बहुत अच्छा वहां पर प्रयास सर्विस मडगल की तरफ से सर्विस हल्के हाथों से बाहर उठाया है और देखना होगा बहुत अच्छा प्रयास वहां पर खिलाड़ी के द्वारा देख ये बॉल फिर रैली में गई है देखना होगा बहुत अच्छा प्रयास ये स्मैश लगा था लेकिन उतना ही अच्छा दिखाया और बॉल देखना होगा ये पॉइंट 12-11 अब बढ़त पे यहाँ पर मडगल की टीम और एक अंक की मामूली सी बढ़त यहाँ पर मडगल के पास देखना होगा कि दोनों ही टीमें बहुत अच्छा वहां पर मैच पे खेलती है और बॉल गई है बाहर तो बर्फ देखो और जितने भी लोग ये थोड़ा सा लाइन से बाहर हो जाए तो ज्यादा अच्छा और एक अंक 13-12 और सर्विस थी यहाँ पर मडगल की ड्रॉप डालने का प्रयास बहुत अच्छा यहाँ पर एक अंक की बढ़त उनके पास बहुत अच्छा प्रयास किया था वहां पर लेकिन फिलहाल बॉल दोनों ही पाले में जाते हैं लिप गया है वहां पर देखना होगा और तालमेल की थोड़ी सी कमी दिखाई दी थी लेकिन फिर अच्छा प्रयास लेकिन लास्ट में ये बहुत अच्छी सर्विस वहां पर और ये बॉल तक होती पहले सेट मडगल ने अपने नाम किया जबकि दूसरे सेट में यहां पर बढ़त बनाते हैं देखना होगा और यहां पर बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ बहुत अच्छी लिफ्ट वहां पर देखना होगा और बहुत अच्छा प्रयास यहां पर खाते भी 16-15 अब एक अंक की बढ़त 17-15 पर अच्छी सर्विस 15 अब 3 अंकों की बढ़त यहाँ पर नंदा खाल के पास देखना होगा ये बढ़त कायम रहती है या नहीं बहुत अच्छा प्रयास और मडगल की सर्विस और देखना होगा कि इसका जो जवाब है वो किस तरह से देते यहाँ पर नंदा खाल बहुत अच्छा अच्छी स्मैश थी लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस खाली स्थान में मारा प्रयास वहाँ पर खिलाड़ी का देखना होगा दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम और ये और फिर फाइनल जो होना है तो इस बीच मडगल का जो ये सर्विस देखना होगा बहुत अच्छा प्रयास उतना ही अच्छा डिफेंस यहाँ पर मडगल के द्वारा और ड्रॉप डालने का प्रयास और दोनों ही टीमें लड़ती हुई बहुत अच्छे यहाँ पर चलती हुई बहुत अच्छी उतना ही अच्छा डिफेंस और दोनों ही टीमों के जो खिलाड़ी लड़ते हुए और ये इस मैच के बाद फिर उठा यहाँ पर बॉल टच होती हुई देखना होगा कि ये रैली किसके पास में खत्म होती है और ये अंक गया है स्कोर जा पहुंचा है 19-18 फिर से मडगल जो है आगे आते हुए प्रयास यहाँ पर बहुत अच्छा
और देखना होगा जहां बॉल लग रही थी कि बाहर जाएगी उतना ही अच्छा डिफेंस दौड़ते हुए खिलाड़ी ने बॉल को वापस पा नहीं किया। देखना होगा कि किस पक्ष में अंक जाता है। दोनों ही टीमें लड़ती हुई बहुत अच्छा प्रयास और बहुत अच्छा स्मैश उतना ही अच्छा डिफेंस यहाँ पर नन्ना काल की टीम का और बॉल अभी भी हवा में और दोनों ही तरफ के खिलाड़ी जो है लड़ते हुए बॉल के लिए। देखना होगा बहुत अच्छा प्रयास और उतना ही अच्छा डिफेंस यहाँ पर खिलाड़ी का। ये देखिए दोनों ही टीमें बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर लग रहा है और ये अच्छा दोनों ही टीमें बराबरी पर एक अच्छी रैली यहाँ पर और जिसका एक घातक हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर मडगल की टीम एक अंक की बढ़त के साथ है तो सीधे फाइनल में प्रवेश करेगा जबकि नन्दा खाल को दो सेट जीतने होंगे। बहुत अच्छा प्रयास वहां पर और हल्की सी धूप आती हुई 20-21 बहुत सुंदर रैली यहां पर चलती है। अच्छा प्रयास और अगर ये सेट हारते हैं तो सीधे टूर्नामेंट से बाहर और देखिए कितना अच्छा प्रयास नन्दा खाल बहुत अच्छा खेल दिखाती है अच्छा प्रतिरोध यहाँ पर उनके द्वारा और देखना होगा बहुत अच्छा प्रयास दोनों ही टीमें यहाँ पर संभल कर खेलती हुई और देखना होगा बिना अटैक के काम नहीं चलेगा जैसे यहाँ पर हमारे बड़े भाई पोखरियाल जी कह रहे हैं और बिल्कुल सही उनका कहना क्योंकि इन मुकाबलों में आकर जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों का कि अटैक पे जाना होगा दोनों ही टीमों को बहुत अच्छा प्रयास देखिए वहीं नन्दा खाल को 4 अंकों की जरूरत। देखना होगा कि दोनों ही टीमें किस तरह से